प्रधान को तथाकथित महिला पत्रकार ने दी धमकी। सुमेरपुर विकास खंड की ग्राम पंचायत हेलापुर के ग्राम प्रधान को एक तथाकथित महिला पत्रकार ने गाली गलौज करते हुए फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देने पर प्रधान ने मामले की शिकायत पुलिस चौकी कुछेछा में की है। प्रधान ने खंड विकास अधिकारी से भी शिकायत करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। ग्राम प्रधान का कहना है कि हुए मामले से पुलिस अधीक्षक व जिला अधिकारी को अवगत कराएगा। हेलापुर के प्रधान कमलेश निषाद ने बताया कि वह सोमवार को घर पर थे, तभी दिन में करीब 2:30 बजे एक महिला घर पर आई और खुद को पत्रकार बताते हुए एकांत में चलकर बात करने को कहा। उसके मना करने पर महिला ने आग बबूला होकर फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी और मौके से फरार हो गई। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस चौकी कुछेछा में की है। साथ ही खंड विकास अधिकारी सुमेरपुर को पत्र सौंपकर घटना से अवगत कराया है। प्रधान का आरोप है कि ये तथाकथित पत्रकार कई प्रधानों को अपने चंगुल में फंसाकर दोहन कर चुकी है। ग्राम प्रधान ने कहा कि वह मंगलवार को जिला अधिकारी व पुलिस अधीक्षक से घटना को अवगत कराएंगे। कुछेछा पुलिस चौकी इंचार्ज पंकज तिवारी ने बताया कि शिकायत मिली है, मामले की जांच की जा रही है। प्रधान जी, आज आप यहां विकास खंड कार्यालय आए हैं, क्या शिकायत थी, किस लिए आए? लड़की आई, लड़के साथ मोटर गई थी, बोली मैं प्रेस से हूँ, उसको पूरा प्रधानी का हिसाब किताब चाहिए। हमने कहा प्रधान साहब, प्रधान प्रधानी का हिसाब किताब आप उसे चाहिए, हमारा रिकॉर्ड दीजिए, साथ देख लीजिए कल के। तो बोली ज़्यादा नेता बनते हो क्या, ज़्यादा करो, चलो कल तुम्हें तुमसे बात करना है, कमरे में बात कर ली जाए। कमरे में बाहर बताओ, बोली बाहर नहीं बात होगी। हमने अंदर नहीं गए तो आग बबूला होकर गाली वाली देने लगी, बोली तुम्हें फंसा दूंगी। और इसी की सूचना मैंने साहब पुलिस उसमें चौकी इंचार्ज को जैसा में दी है, वीडियो साहब को बताने आया।